सरकार के द्वारा ना आज तक उसका कोई भुगतान किया जा रहा है, उल्टे नेपालों के द्वारा जो है घूस मांगा जा रहा है कि 10,000 लेखपालों द्वारा घूस मांगा जा रहा है। हालांकि ये बात पहले भी हमने सुना कि धन उगाही चल रहा है और सबक सिखाएंगे, जब कार्य वहाँ पर प्रारंभ होगा तो हम लोग मरने और मारने पर उतारू हो जाएंगे वहाँ पर जो है, या तो मर जाएंगे या नहीं तो मार देंगे उन लोगों को जो है। हम लोग सभी लोग संगठित होकर के हम लाशों पर ही वो बनेगा ग्रीन फील्ड, में किसानों के लाशों पर बनेगी वो ग्रीन फील्ड जो है। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं हो रही है, क्या वो जमीन फ्री में लेना चाहते हैं, किसानों का पैसा लूटना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। अगर इसी तरह से भाजपा पार्टी का व्यवहार रहा तो भाजपा पार्टी का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जब जनता इतना परेशान होगी, एक दो आदमी का मैटर नहीं है, बहुत लोगों का मैटर है, तो लगता है कि पार्टी बदल सकती है। मैं आज तक 12 बार मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिल चुका हूँ, कभी किसान संघ के साथ मिला हूँ, कभी व्यक्तिगत मिला हूँ, कभी अपने कुछ अभिभावकों के साथ मिला हूँ, लेकिन नहीं अधिकारी के कान पर जू रंगती है और नहीं कोई नेता आ रहा है अभी वर्तमान में पूछने के लिए कि आपकी क्या स्थिति है। कहते हैं करनी कोई और करे उसको भरे कोई और। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ फेफना में और मेरे पीछे आप देख रही है तमाम किसान भाई है। एक्चुअली इनकी जो नाराज़गी है, इनका जो आंदोलन है, आज महीनों से चला आ रहा है लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। आज से ठीक 8-9 महीना पहले यही चितबरा गाँव में आए थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गाजीपुर टू माजीपुर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है उसका शिलान्यास करने। इन किसानों का आरोप है कि इनकी ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई है लेकिन जो मुआवजे की धनराशि है वो इनको नहीं दिया गया। ये लोग आज से 8-9 महीना पहले जब नितिन गडकरी आने वाले थे उस समय भी ये लोग आंदोलनरत थे और इन्होंने ऐलान किया था कि हम लोग कार्यक्रम स्थल पर जाके इसका विरोध दर्ज कराएंगे। उस समय तत्कालीन DM सौमिया अग्रवाल ने आनंद फानन में जो भी तहसील स्तर के अधिकारी है उन अधिकारियों को इनके गांव में भेजकर इन्हें आंदोलन करने से रोका गया और आश्वासन दिया गया कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपको अपनी मुआवजे की धनराशि मिल जाएगी। लेकिन अफसोस आज 8-9 महीना बीत जाने के बाद भी वो मुआवजे की धनराशि नहीं मिली है। ऐसे में किसान एक बार फिर आंदोलन के मूड में है और इन्होंने ऐलान किया है कि ना तो ये अब जमीन देंगे और ना ही आने वाले लोकसभा 2024 में ये वोट देंगे। आइए हम अब किसानों से बात करेंगे, क्या समस्या देंगे प्रधान जी, ये क्या समस्या, किस तरह की समस्या है किसानों? किसानों की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में भुगतान के संबंध में समस्या है और इसीलिए हम सभी किसान एकत्रित हुए हैं ताकि हम एक कार्य योजना बनाते हुए एक ग्रुप रहें, क्योंकि हमेशा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा जो है हम सभी किसानों को गुमराह करते हुए भुगतान से वंचित किया गया है और इसी तरह का भुगतान न हो इस तरह की कुचक रचा जा रहा है और इसीलिए इस संबंध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। आखिर क्या वजह है जिला प्रशासन के अधिकारी, उनका कोई क्या कोई स्वार्थ इसमें नहीं थे जो आप लोगों के साथ ऐसा कर? जी नहीं, हमको तो ये लग रहा है कि जो एक तरह से धन उगाही का एक कुचक्र है और कोई है नहीं, इसलिए कि हम एक नियम के तहत अगर हमारी ज़मीन सिरदारी की है तो जो वर्ग एक में जो है आ गई है ऑटोमेटिक 1977 का जो एक्ट है हमारे उसके अंतर्गत जो है ये वर्ग एक की ज़मीन हो चुकी है, वर्ग 9 की भी ज़मीन जो है वर्ग एक हो चुकी है, हमारा खतौनी भी वर्ग एक आ रहा है लेकिन जानबूझ करके हमको जो है कुचक्र के तहत हमारा जो है भुगतान रोका गया है। तो सर क्या आप इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी जिम्मेदार मानते हैं? अब इस संबंध में सरकार को मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी निवेदन करूँगा इस संबंध में किसानों की समस्याओं से अवगत होते हुए और इसका भुगतान करें, यही मेरी सरकार से भी मानसा है। चाचा जी, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे में आपकी कितनी ज़मीन जा रही है? ऐसा है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में जनवरी के महीने में तहसीलदार महोदय हमसे कहे कि आपके पास मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आ करके आप अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कीजिए। 1 जनवरी को 10 बजे रात को हमारी रजिस्ट्री की गई, तब से केवल लोग आश्वासन दे रहे हैं, उसमें रजिस्ट्री भी आधी हुई, आधी रजिस्ट्री छूट ही गई लेखपाल के और अधिकारियों के वजह से, और लोग आश्वासन देते रहे कि आप लोगों का पेमेंट होगा 2 का 9 का, ये 2 और 9 की बात कह करके धन उगाही के लिए जनता को लोग परेशान कर रहे हैं और 10 महीने से जनता जो है बहुत परेशान है।
कितने लोग बहु अनेक प्रकार की समस्याओं से उलझ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में यूँ नहीं रेंग रहा है कि जनता परेशान है। केवल जाने पर कहते हैं कि धैर्य रखिए, एक जैसा है वो नौ है, जो जैसा जो नौ है वो एक है, सबका पेमेंट धीरे धीरे होगा। और 10 महीने से लगातार पेमेंट कुछ नहीं हो रहा है, एक की भी रसीद जो लोग किए हैं उनका भी पेमेंट बाकी है। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, क्या वो ज़मीन फ्री में लेना चाहते हैं, किसानों का पैसा लूटना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। 10 दिन 5 दिन के लिए कोई सरकारी नियम है कि 15 दिन के अंदर आपका मुआवजा भुगतान कर दिया जाएगा, 15 दिन के बदले 15 महीना हो गया और जनता का पेमेंट नहीं हुआ। तो अगर चाचा जी आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और अप्रैल मई तक चुनाव भी हो जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है कि आप वोट देंगे उस समय? अगर इसी तरह से भाजपा पार्टी का व्यवहार रहा तो भाजपा पार्टी का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जब जनता इतना परेशान होगी, एक दो आदमी का मैटर नहीं है, बहुत लोगों का मैटर है, तो लगता है कि पार्टी बदल सकती है। और योगी जी से हम निवेदन करेंगे कि जनता के अपील को सुने, जनता के दुख को सुने, ताकि जनता का पैसा भुगतान हो जाए। आप एक युवा किसान है, युवा किसान होने के नाते आपका विचार क्या है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, सरकार को या जिला प्रशासन के अधिकारियों? देखिए, जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि रजिस्ट्री के एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। हम सभी के पास रेवेन्यू के जो भी, राजस्व के जो भी कर्मचारी हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं इत्यादि जो भी हम लोग के यहाँ आए, निवेदन किए कि आप सभी लोग चलिए और अपने ज़मीन का रजिस्ट्री करिए। हम सभी ने उनके कहने पर जाकर रजिस्ट्री भी किया। उसके बाद 15 दिन का, 9 महीना 10 महीना बीत गए और हम लोग केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारा भुगतान होगा। मैं आज तक 12 बार मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिल चुका हूँ, कभी किसान संघ के साथ मिला हूँ, कभी व्यक्तिगत मिला हूँ, कभी अपने कुछ अभिभावकों के साथ मिला हूँ, लेकिन नहीं अधिकारी के कान पर जू रेंगती है और नहीं कोई नेता आ रहा है अभी वर्तमान में पूछने के लिए कि आपकी क्या स्थिति है। आज तक आपने, मैं बचपन से भगवा पगड़ी अपने माथे पर बांधा हूँ और मैं विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव हो, मैं उसमें अगुआ रहता हूँ, एक वक्ता के रूप में कार्य करता हूँ, आता हूँ जाता हूँ, जो भी पूर्णतः अपना समय का अनुदान देता हूँ जो जब चुनाव आता है। लेकिन मुझे कष्ट इस बात की है, कभी कोई वर्तमान में नेता नहीं, यह पूछने तक नहीं आ रहा है कि आपके ज़मीन का भुगतान नहीं हो रहा है। आप सभी किसानगण इतनी व्यथा में हैं, आपके व्यथा का मैं निवारण कर सकता हूं, अभी तक कोई नेता पूछने नहीं आया। अभी बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्ते, वो किसानों के नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनको क्या नहीं लगता है कि इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि मामला एक दो दिन का नहीं है, कम से कम 10-12 महीना से ये मामला चल रहा है। आदरणीय सांसद जी से लगभग 4 से 5 बार हम लोग मिल चुके हैं, वो 3-4 बार फ़ोन किए हैं SDM को, DM को, ठीक है, वो पत्रक भी हमारे पास है जिसमें वह लिखे हैं कि SDM साहब एक सप्ताह के अंदर ज़मीन के भुगतान करने का कष्ट करिए, DM साहब से बात हो गई है, ठीक है। दूसरा, 26 जून को आदरणीय MP साहब ने जिलाधिकारी महोदय, SLO विभाग के समस्त कर्मचारी महोदय और महोदय लोगों से एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में उसका पोस्ट भी उनके नाम से पड़ा हुआ है। उस मीटिंग में उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि जो भी किसानगढ़ का खतौनी में नाम है उनका भुगतान होना चाहिए, और यह बोले भी थे कि तहसीलदार साहब यदि भुगतान नहीं होगा तो वह उसके पूर्णतः जिम्मेदार आप होंगे और मैं आप पर FIR करूंगा। लेकिन 3 महीने बीत गए उनके मीटिंग लिए हुए और आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, एक पूर्णतः एक बहुत बड़े किसान हैं आप। हमारी ज़मीन सराकत खाता में है कम से कम डेढ़ जमीन का बैनामा हो गया। हाँ, बैनामा हो गया। कितना लगभग आपको मिलना था मुआवजे की धनराशि जो नहीं मिला है? अभी जो वर्ग 2 वाला पैसा नहीं मिला है। वर्ग 1 वाला मिल गया क्या? वर्ग ए वाला मिल गया। वर्ग 2 का कितना बकाया चल रहा है, कितने दिनों से बकाया चला? बकाया मतलब जो मुआवजे की धनराशि मिलना था, जैसे कि 23 समय है 15 दिन, कितने दिनों से मिल रहा है? अरे करीब 7-8 महीना हो गया। तो क्या लग रहा है कि इसका असर आप इस तरह का कुछ करेंगे क्या कि 2024 का चुनाव या बहिष्कार करेंगे, जैसा कि अन्य किसानों का कहना है? हाँ, किसान अगर हम लोगों का मुआवजा नहीं दिया गया तो हम बाध्य होकर के वोट आंदोलन करेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे।
ठीक। अब उस समय भी आठ से नौ महीना पहले भी उस समय एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की अगुवाई यही कर रहे थे। नेताजी आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, आप किसानों के नेता हैं, किसानों के सुख दुख में साथ रहते हैं, आपको इस संदर्भ में क्या कहना है? हम लोगों को तो उस समय आंदोलन किए, उस समय हम लोगों को जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को रोक दिया गया, मना कर दिया गया, आप लोग आंदोलन मत कीजिए, आप लोगों का भुगतान हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आज तक फरवरी के बाद आज तक इतने दिन हो गया, फिर भी भुगतान नहीं हुआ, अधिकारियों द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। एक बार हमारे आदरणीय सांसद जी मीटिंग भी लिए, उसके बाद भी 15 दिन का समय लिए अधिकारी लोग, तब भी भुगतान नहीं किए, वो भी 3 महीना बीत गया। अब तो हम लोग बाध्य होकर के यहाँ जो है रणनीति बना रहे हैं कि अगर ये हमारा भुगतान नहीं होगा तो हम वोट का भी विरोध करेंगे और इस सरकार का भी विरोध करेंगे। अच्छा, और अंत में नहीं होता है तो हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ना वोट देंगे ना जमीनी देंगे, दोनों में कुछ नहीं देंगे। अच्छा चाचा जी, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई हो गई लेकिन मुआवजे की धनराशि किसानों को नहीं, इसके लिए सरकार और जिला के सभी कर्मचारी जो है। आप किसान हैं, कर्मठ है, सबक सिखाना जरूर चाहेंगे, किसको सबक सिखाएंगे? हम सरकार को वोट का बहिष्कार करेंगे जो है, और सबक सिखाएंगे, जब कार्य वहाँ पर प्रारंभ होगा तो हम लोग मरने और मारने पर उतारू हो जाएंगे वहाँ पर जो है, या तो मर जाएंगे या नहीं तो मार देंगे उन लोगों को जो है। हम लोग सभी लोग संगठित होकर के हम लाशों पर ही वो बनेगा ग्रीन फील्ड, में किसानों के लाशों पर बनेगी वो ग्रीन फील्ड जो है। जब तक अगर भुगतान नहीं होती है तो ये हम लोग अपना खेत जोते के बोएंगे, रजिस्ट्री वो धोखे से करा लिए तो करा लिए, हम लोग जमीन कभी बनने नहीं देंगे ग्रीन फील्ड, इसके लिए लाशों पर बनेगी वो ग्रीन फील्ड वे जो है, अगर किसानों का पेमेंट नहीं। दिसंबर में हुआ था 2022 में, 10-12 महीने 10-9 महीने हो गया, आज तक मेरा परमिट नहीं हुआ। हम कई बार अधिकारियों के पास दौड़े दौड़े गया और फिर दौड़ाते हमको गुमराह करके लौटा दिया जाता है, उसका साबुत मेरे पास, मेरे फाइल में उसकी दस्तखत लगी हुई है। आप तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए, आपसे ठीक से चला भी नहीं जाता है, तो कोई अधिकारियों को तरस नहीं आता है आपको देखकर? देखकर अगर आता तो ऐसी वो व्यवहार के मेरे साथ किया जाता है। मैं तो हमारी अवस्था को देखते हुए उन लोगों को हमारी परमिट करनी चाहिए, लेकिन कर नहीं लोग रहे हैं। आपकी कितनी ज़मीन जा रही है? मैं सुनील सिंह एकौनी, मेरी ज़मीन लगभग 5 बीघे के करीब में गई है। बैनामा हो गई है? बैनामा हो गई है एकौनी मऊजा में और कुचुंदा मऊजा में, जबकि 10-12 महीने हो गए कुरचुन्ने मऊजे का बैनामा किए हुए, और हम किसान हैं और अपना खेत दे दिए हैं, और सरकार के द्वारा ना आज तक उसका कोई भुगतान किया जा रहा है, उल्टे लेखपालों के द्वारा जो है घूस मांगा जा रहा है कि 10,000 लेखपालों द्वारा। एक मिनट, यहाँ जैसे कि नई बात आई है कि लेखपालों द्वारा घूस मांगा जा रहा है, हालांकि ये बात पहले भी हमने सुना कि धन उगाही चल रहा है, तो आप डायरेक्ट आपका आरोप किस पर है? लेखपाल पर? मेरा तो डायरेक्ट सरकार पर है, अगर मालिक अच्छा हो, अगर ऊपर से सरकार अच्छी हो, मैंने मालिक अच्छा हो तो मातहत भी अच्छा हो, मातहत अच्छे होंगे, मेरा ये कहना है। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ अपने जोगी जी को और उनके भाजपा सरकार को कि जितना जालसाजी चल रही है, औरंगजेब वाली कहानी चल रही है, जिस तरह से औरंगजेब के ज़माने में षड्यंत्र चल रहा था वैसा ही षड्यंत्र किया जा रहा है, जबकि हमारे सारे किसान अन्नदाता हैं, जो किसान जो नेता खाते हैं हमारा ही अनाज पैदा हुआ खाते हैं। सरकार तो आपको 6,000 रुपया दे रही है सालाना दे रही है, उल्टे हमारा ले करके क्या 12 महीने से मैंने अपना ज़मीन का भुगतान कर दिया। अगर मान लीजिए अपना पैसा बहन बेटी का शादी हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, बहुत से हमारे किसान हैं जो उस पैसे के लिए मजबूरी में कर दिए कि चलिए ये काम हो गया, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, पैसा 6,000 किस काम के? ये भाजपा वाले कहते हैं कि प्रदेश में डबल इंजन से विकास हो रहा है, इस पर क्या? भाजपा वालों का सिर्फ ये कहना है केवल मेरा ही अनाज लेकर के, मेरा ही गेहूं चावल लेकर के और बांट दिया जा रहा है, और वही गांव-गांव में ठेला पर ट्रैक्टर पर वही अनाज दूसरों के द्वारा बेचा जा रहा है, किसानों को बरगराया जा रहा है। किसान अपने मेहनतबंदी के लिए अगर मजदूर बुलाते हैं तो मजदूर कहता है 500 रुपया लेंगे, तो मैं कैसे मान लूँ कि किसानों के हित की सरकार है?
क्योंकि जब मनरेगा की मजदूरी 213 रुपया है तो हम 213 रुपया में अगर मुझको मजदूर मिलते तो हमारा खेती अच्छी से हो जाती। तो हमको तो सरकार उल्टे फंसा रही है, किसान विरोधी सरकार है एकदम डायरेक्ट, एकदम निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि किसान विरोधी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने जोगी जी को देख करके डायरेक्ट जो है पिछले चुनाव में, उसके पिछले चुनाव में मैंने भाजपा को वोट दिया था ताकि देश तरक्की पर जाए। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, हम बहुत खुश हैं, हमारे सारे किसान खुश हैं। लेकिन दुख कहाँ से आ गया? दुख दे दिया हमारे जिनको सांसद हमने चुना, इनको मस्त जी को, और हमारे जो है विधायक जी चुने गए, ये लोग सोए पड़े हैं। हम लोग वोट देने के लिए बूथ पर जाते हैं तो ये लोग लाइन लगा लेते हैं, कोट दीजिएगा, हमारा एजेंट बन जाइए, अब आएंगे तीन लोगों को मैं बताऊंगा। और हमारे गांव के सारे लोग प्रण कर लिए हैं, ये बात आज से नहीं चल रही है। जब किसान कल्याण मोर्चा था, जब रजिस्ट्री गांव नहीं हुई थी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की, तब डीएम महोदय ने षड्यंत्र रच करके सीआरओ को भेजा, सीआरओ गए गांव-गांव, नेपाल गए, प्रशासन को भेजा गया, जबरन रजिस्ट्री कराई गई, जहां 60 लाख रुपये जो है सेक्टर रेट था, वहां 40 लाख रुपए सेक्टर रेट इसी कौनी मऊजा का कर दिया गया। हमने अनेकों डॉक्यूमेंट पेश किया, लेकिन उन्होंने इस बात को कहाँ माना, उन्होंने अपनी जिद पर अड़े रहे और अपना जिद करवा लिए। जब करवा लिए तो किसान तो कमजोर आदमी है, तो किसान क्या करेगा क्या? अब किसान अब गुस्से में आया है, हम में ताकत है, यह हमारे बाबा ने अभी कहा है कि या तो मर जाएंगे नहीं तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे लास्ट पर बनेगी। यह मैं अंत में यही कहूँगा, आप मीडिया महोदय से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि मेरी ये बात जैसे भी हो जोगी जी की सरकार तक जाए, या नरेंद्र मोदी तक जाए, या नितिन गडकरी तक जाए, क्योंकि ऊपर से माइक के द्वारा कह दे रहे हैं कि किसानों का पैसा मिल जाए, और यहाँ पर कोई हमारा सुनता नहीं है, ऑफिस में जाने पर खदेड़ दिया जाता है। किसानों का कहना यही है कि ये ना, अगर इनको इनकी मुआवजे की धनराशि नहीं मिली, ना तो ये वोट देंगे और ना ही ये जमीन देंगे। तो किसान अन्नदाता होते हैं, इनसे हमें निवाला मिलता है, पशु पक्षियों को निवाला मिलता है, पशुओं को निवाला मिलता है, और किसानों को तरसा के तड़पा कर आप विकास को नया आयाम नहीं दे सकते हैं। धन्यवाद।